तो आपको बहुत तकलीफ होगी, तो मत करें आप ऐसी बातें। इस प्लेटफॉर्म पे पर्सनल अटैक किसी के ऊपर नहीं करना सर, मैं यही तो कह रही हूँ। कभी बीबी को सिक्योरिटी रिस्क कहा, कभी आपके मौलवियों ने बैठ के कहा कि इसका इसका इसकी शादी निकाह टूट गया है, कभी ये बात कही कि ये क्या बात है। मजहब की बात करता है पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क में कोई भी मजहबी तबका मुझे बताया कि उसने इस बिल की हिमायत की हो, ये सारे झूठ बोलते हैं, ये सारे गलत कहते हैं। सिर्फ मारवी बीबी जो कहते हैं कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं है, डॉक्टर साहब कहते हैं कुरान और सुन्नत के खिलाफ, ये कुरान और सुन्नत समझते हैं, बाकी सारे मौलवी कुछ भी नहीं समझते। याद है खुदा क्या नाम था, उन्होंने तो बैठ के कहा ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ, क्या नाम था, आई एम फॉरगेटिंग। मौलाना साहब नवाज शरीफ साहब के पास गए, नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि मेरे इल्म में नहीं है कि ये बिल कहाँ से आ गया। सर उनका लेना देना नहीं है, ये पंजाब असेंबली का मामला है भाई, इस्तेमाई दानिश पंजाब की, उसने फैसला किया है। दो भाई है, दो भाई है, सो व्हाट अगर दो भाई है सर, 8 करोड़ 9 करोड़ की आवाम है, दो भाई है तो इससे क्या फर्क पड़ता है सर। आप तो सिटीजन ही नहीं है पंजाब के सर, पार्लियामेंट को उस वक्त 92 लोग है, कहाँ है अक्सरियत, वो कह रहे हैं भाई घर में होते हैं पंजाब में, वजीर आला शहबाज शरीफ है। 371 में 92 अराकीन असेंबली, उनका काम है ना सर, ये बलोचिस्तान के लोगों का काम नहीं है। मेरा वक्त खत्म हो गया है, आमिर लियाकत साहब मैं आपसे